हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको गैंट्री गर्डर में प्रॉब्लम बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। इसमें दे रखा क्रेन कैपेसिटी 200 किलोमीटर, स्पान ऑफ गैंट्री गर्डर 7.5 मीटर, स्पान ऑफ क्रेन गर्डर 15 मीटर, सेल्फ वेट ऑफ द क्रेन गर्डर एक्सक्लूडिंग ट्रॉली इक्वल्स टू 200 किलोमीटर, मतलब एक्सक्लूडिंग मतलब ट्रॉली को छोड़ के बाकी का, ठीक है। सेल्फ वेट ऑफ ट्रॉली या फिर क्रेब का 40 किलोन्यूटन, मिनिमम हुक अप्रोच 1.2 मीटर, व्हील बेस ऑफ क्रेन 3.5 मीटर एंड सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन इज 300 न्यूटन। टेक यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इक्वल टू 2.5 एमपीए एंड एज्यूम द टोटल री स्ट्रेन अलोंग द स्पान, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको देखो कौन सी चीज कहाँ पे कैसे दी है वो समझ में आनी चाहिए। तो देखो, स्पान ऑफ क्रेन गर्डर 15 मीटर, ये होती है स्पान, ठीक है, इन दोनों के बीच की। ये कॉलम है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है, आप अच्छे से देख सकते हो उसको। ये गैंट्री गर्डर है, ठीक है, और ये है हुक अप्रोच 1.2 मीटर की डिस्टेंस पे। ये क्रेब है, व्हील है, और ये दोनों के बीच की जो है क्रेन गर्डर है जो 3.5 मीटर दिया हुआ है। ये स्पान ऑफ गैंट्री गर्डर दिया हुआ है 7.5 मीटर, ठीक है ना, और ये व्हील है। ये देखो, ये कॉलम लिखा हुआ है, आप पिछले लेक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से समझाया हुआ है ना। और वो अच्छे से अगर आप समझे होंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आ पाएगा, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की। हाँ तो दोस्तों, स्टेप फर्स्ट क्या है, मैक्सिमम व्हील लोड क्या करना है। मैक्सिमम व्हील लोड क्या होता है, मैक्सिमम लोड इक्वल टू क्रेन कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ ट्रॉली, ये फॉर्मूला था। तो क्रेन कैपेसिटी दे रखा है आपको, वेट ऑफ ट्रॉली भी दे रखा है, दोनों को ऐड कर दिया 240 किलोमीटर बन गया। अब मिनिमम हुक अप्रोच 1.2 मीटर दे रखा है अपने को, और टोटल वेट ऑफ क्रेन गर्डर भी दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, तो वेट ऑफ क्रेन गर्डर पर मीटर में निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वेट ऑफ क्रेन गर्डर अपॉन स्पान ऑफ क्रेन गर्डर, ठीक है। तो इक्वल टू 200 अपॉन 15, तो 13.33 किलोन्यूटन प्रति मीटर आ गया, ठीक है। हाँ तो अब देखिए कैसे अप्लाई होगा। देखिए 240 किलोन्यूटन यहाँ पे पॉइंट आउट लग गया, और ये 1.2 मीटर है जो इसकी हुक अप्रोच है, ये टोटल लेंथ है स्पान की, और ये यूडीएल लग रहा है 13.33 किलोमीटर प्रति मीटर, ये आरसी एंड आरडी है, सीडी पॉइंट है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, टेकिंग मूवमेंट एट अबाउट सी पॉइंट से मूवमेंट लेंगे, तो क्या हो गया, आरडी टू 15 इक्वल टू 240 इंटू 1.2, देखिए ये रहा 240 इंटू 1.2 प्लस 13.33 इंटू 15 इंटू एल बाई टू, ये पूरी स्पान है इसका 2/2, ठीक है, तो 7.5 हो गया, ठीक है। तो ये आरडी निकाल लिया अपन ने 119.18 किलोन्यूटन, फिर आरसी निकालेंगे, आरसी निकालने के लिए क्या होगा, टोटल लोड माइनस आरडी, तो टोटल लोड कितना हो गया 240 प्लस 13.33 इंटू 15 माइनस ये जो आरडी आया है, तो क्या आ गया अपना आरसी आ गया, ये है मैक्सिमम रिएक्शन, ठीक है। हाँ तो अब देखेंगे एट द ईच एंड ऑफ क्रेन गर्डर, अब हर एंड पे निकालेंगे, देर आर टू व्हील के अंदर दो है, ठीक है। तो लोड ऑन ईच व्हील, इसको ऊपर स्टैटिक व्हील लोड भी कहते हैं, तो इक्वल टू 320.77/2, अभी आया आरसी की वैल्यू, ये मैक्सिमम रिएक्शन है, इसका बटा दो कर दो, तो 160.40 किलोमीटर आ गया ईच इंड पे आ गया, ठीक है, क्रेन गर्डर के हर एक पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इंक्रीज वेट ऑफ 25% ऑफ इम्पैक्ट वेट, अगर अपन इसमें अंदर बढ़ाए 25%, ये कैसे बढ़ा है ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। IS 875 वाट सेकंड यूज करेंगे इसमें, तो डिजाइन लोड ऑन ईच व्हील, तो 1.25 को 160.40 से मल्टी कर दिया, तो 200.50 किलोमीटर आ गया, एंड फैक्टर लोड ऑफ ईच व्हील, फैक्टर लोड करने के लिए 1.5 को इससे मल्टीपल कर दिया, तो इक्वल टू 300.75 किलोमीटर आ गया, ठीक है। स्टेप टू की ओर बढ़ते हैं, स्टेप टू क्या कह रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन द गैंट्री गर्डर, गैंट्री गर्डर के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है जो कैसे है, देखिए। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना दिया अपन ने, जो स्पान दे रखी है उसका हाफ का एक बना लो डायग्राम, ठीक है, अच्छे से समझ रहा, तो ठीक है। फिर इसको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अपन को कौन से पॉइंट पे वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में, तो देखिए ये पॉइंट लोड आ गया 300.75 और 300.75, दो पॉइंट पे निकाला था, ठीक है ना। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है क्रेन की, वो दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसका हाफ कर दिया तो 1.75 आ गई, तो एक साइड से इसको और हाफ कर दो तो 0.875 हो गया, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करके ये वाली और ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो, दे रखी है, ठीक है। तो ये है आर ए एंड आर बी,
यहाँ, ठीक है, और ए बी पॉइंट पे। अब चलते हैं अपन आगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर बिटवीन बिलो वी लोड ए व्हेन सेंटर ऑफ द स्पान सी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वी लोड, वी लोड से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो एज्यूम करेंगे अपन सेल्फ वेट ऑफ गैंट्री गर्डर, एज्यूम करना है, इसका फिक्स भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 1.6 किलो न्यूटन और वेट ऑफ रेल सेक्शन 0.3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। देखो ये कहाँ से आया, क्योंकि वहाँ पे न्यूटन मीटर प्रति मीटर दे रखा था, अपन ने किलो न्यूटन में चेंज करा तो 0.3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और टोटल वेट हो गया 1.9, ठीक है। अब इसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीपल कर दिया तो आ गया 2.85 किलो न्यूटन प्रति मीटर। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ए एंड बी आर द टू वी लोड है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी लगा ए, तो टेकिंग मोमेंट और ऐसे मूवमेंट लेंगे तो वही आर ए इंटू 7.5 इक्वल टू 300.75 इंटू 2.875 प्लस 300.75 इंटू 6.375, बाकी इसको लेस कर देंगे तो 6.375 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2.85 इंटू 7.5 इंटू 7.5 बाई 2, तो आर भी आ गया 381.61। एंड वैसे का वैसे ही आर ए निकाल लिया अपन ने टोटल लोड माइनस आर बी, तो ये भी आ गया। अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी लगा रेट ए है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो एल एच एस एम ए बराबर इक्वल टू आर ए इंटू 2.875 माइनस 2.85 इंटू 2.875 का होल स्क्वायर अपन 2, इसको कैलकुलेट कर लो ये आ जाएगा। वैसे का वैसे एम बी कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया उसी फॉर्मूले से। अब देखिए वापस कैसे बना डायग्राम, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, चाहो तो बनाओ अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इसके, ठीक है। सारी वैल्यू अपने पास है, ये हाईएस्ट पॉइंट है 68.85 जहाँ पे क्रेन है, क्रेन का जो रेल है वो खड़ा था, तो वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए स्टेप थ्री के अंदर क्या है, स्टेप थ्री के अंदर मैक्सिमम शियर फोर्स इन गैंट्री गर्डर, ठीक है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स ए विल अकर विल वन ऑफ द व्हील लोड, ठीक है, ये देखिए। अब इसको एक व्हील लोड ए और बी पॉइंट के बीच में ले आए, तो ये देखिए किस तरह का सेट कर रखा है, 2.85 यूडीएल का जो लोड है वो अभी पिछली बार आया ही था, इसकी लेंथ 4 मीटर है और टोटल 7.5 है, तो 7.5 माइनस 4, ठीक है, तो ये आ गया जो बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो क्या आएगा, वही सेम इक्वेशन काम करेगी, आर ए इंटू 7.5, ये देखिए आर ए इंटू टोटल स्पान इक्वल टू 300.75 इंटू 7.5 प्लस 300.75 इंटू 4, ठीक है, वही प्लस 2.85 ये जो लोड लग रहा है यूडीएल पे इंटू 7.5 का स्क्वायर पॉइंट 2, तो आ रहे आ गए अपने पास मैक्सिमम शियर फोर्स, यही है मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है। अब आगे देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको सर्ज लोड भी कह सकते हैं, ट्रांसफर टू बी रेल, ये रेल पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो टोटल सर्ज लोड इक्वल टू 10% ऑफ द हुक लोड प्लस क्रेब लोड, हुक लोड और क्रेब लोड को जोड़ के उसका 10% लेंगे, ठीक है। तो हुक लोड और क्रेब लोड दोनों क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 0.10 से गुणा कर दो तो 24 किलोमीटर आ गया जो सर्ज लोड है, और दिस लोड इज शेयर्ड बाई फोर व्हील, ये फोर व्हील के साथ शेयर करा जाता है, तो अपन को ईच व्हील पे निकालना है, तो डिवाइड कर दो इसको फोर से, तो 6 किलोमीटर आ गया, 6 किलोमीटर आ गया ये सर्ज लोड आया। अब इसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 से मल्टीपल कर दो तो 9.0 किलोमीटर आ गया, ठीक है। हाँ तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू सर्ज लोड, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहा है ड्यू टू सर्ज लोड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मूवमेंट एम वाई कैलकुलेट करने के लिए बाय प्रोपोर्शन करना है 300.75 किलोमीटर से एम की वैल्यू 68.85 आती है, तो 9 किलोमीटर पे क्या आएगी, तो इसी फॉर्मूले के बेस पे चलना। देखिए एम वाई को 681.85 इंटू 9 अपॉन 300.75, ठीक है, एम वाई कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेटर चलाओ स्पीड से। अब लॉन्ग टूनर ब्रेकिंग फोर्स निकालेंगे, तो इसके फोर्स के लिए क्या करना है, ब्रेकिंग फोर्स के लिए 5% स्टैटिक व्हील लोड जोड़ देंगे, स्टैटिक व्हील लोड तो मैंने पहले बताया था स्टेप फर्स्ट नहीं सेकंड के अंदर, ठीक है, उसका 5% मतलब 0.05 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब कुछ वही है, तो आ गया 16.04 किलो न्यूटन। इसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से गुणा कर दो, ठीक है। स्टेप फोर सेक्शन सिलेक्शन फॉर द गैंट्री गर्डर, गैंट्री गर्डर के लिए सेक्शन है जो सिलेक्शन करना है, तो इकोनॉमिक डेप्थ ऑफ गर्डर इक्वल टू एल अपॉन 12 है, तो एल आपको 7.5 मीटर दे रखी है, तो उसको कन्वर्ट कर लो तो 7500 आ गया, ठीक है, तो 625 mm में कन्वर्ट करा उसको, ठीक है ना। तो चूज टोटल डेप्थ ऑफ द गर्डर, उसकी टोटल डेप्थ कितनी हो गई, 600 mm हो गई, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज किसके बीच में होनी चाहिए, एल अपॉन 40 टू एल अपॉन 30 निकाल लो, 187.5 प्लस 250 mm, ठीक है। अब निकालेंगे अपन जेड पी रिक्वायर्ड, जेड पी रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला था 1.5 mu अपॉन fy,
सारी वैल्यू अपने पास है, रखे कैलकुलेट करिए और ZP के हिसाब से अपन सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो स्टील टेबल के अंदर जाके आपको सर्च करना है और मोस्टली ये दोनों ही काम आते हैं, ISMB 600 विथ और चैनल है ISMB 300, ठीक है, IS 800 2007 कोड के अंदर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कहाँ से आई है, स्टील टेबल से आई है। ये चैनल सेक्शन आ गया, आई सेक्शन आ गया, दोनों के लिए अपन ने लिया था। CYY कहाँ होता है ये आपने, उम्मीद करता हूँ कि 7 में सीख ही लिया होगा। हाँ, तो दोस्तों अब स्टेप 5 देखिए। स्टेप 5 के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑफ IZZ IYY एंड ZP, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्बाइंड सेक्शन के लिए यही फॉर्मूला Y^A1 Y1+A2 Y2 A1+A2, सारी वैल्यू अपने पास सेक्शन से आ चुकी है। Y2 की वैल्यू 600.7.6 - 23.6 = 534, ठीक है, और CYY की 23.6 mm, ठीक है। IZZ ऑफ बुल अप सेक्शन, इसका भी क्या होगा, IZZ = IZZ1 + IZZ2, ये फॉर्मूले के बेस पे है जो सारे आपको गिवन है डाटा, ठीक है। DYY ऑफ बॉइल्ड अप सेक्शन याद करेंगे, उसका भी सारी चीज गिवन है आपको, आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट ऐसे होगा, ठीक है। ये ZY हो गया, ZY ऑफ टॉप लेंस के लिए, ZY ऑफ टॉप लेंस से लेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस कैसे याद करेंगे, द प्लास्टिक NA न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एरिया इनटू द टू इक्वल एरिया, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मूला बेस्ट है, सारा आपको गिवन डाटा है, इसी पे आपको सोल्व करना है। हाँ, तो दोस्तों प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस अबाउ द इक्वल एरिया ये आ गया, ठीक है। तो ZA Y bar देखिए याद कर लेंगे अपन उसी फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 6, चेक फॉर द मूवमेंट कैपेसिटी याद करने के लिए यही फॉर्मूला MD = PB + ZP (IY/ρm0, ठीक है, <= 1.2 ZD, सारी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना, आप कर सकते हैं आराम से कैलकुलेट। चेक फॉर शेयर कैपेसिटी, शेयर कैपेसिटी चेक करने के लिए यही फॉर्मूला बेस्ट, 0.6 VD शुड बी ग्रेटर देन VZ, ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और चेक फॉर बुकिंग रेजिस्टेंस, बुकिंग रेजिस्टेंस करने के लिए यही सिस्टम, वेर गैंट्री गार्ड इज लैटरली सपोर्टेड एंड बेंडिंग स्ट्रेस इज द गिवन। हाँ, ये देखिए स्टेप 9, चेक फॉर द लोकल बुकलिंग याद करेंगे, लोकल बुकलिंग कैसे याद करेंगे, KL/R = 2.43 D/TW, बुकलिंग रेजिस्टेंस मस्ट बी मैक्सिमम देन द मैक्सिमम फैक्टर लोड, ठीक है। स्टेप 10, वेल डिजाइन, वेल डिजाइन कैसे करेंगे, देखिए रिक्वायर्ड शेयर कैपेसिटी ऑफ द वेल्ड QW = VA Y/IZ, वेल्ड इज रिक्वायर्ड टू द कनेक्ट चैनल, चैनल को कनेक्ट करने के लिए इसकी रिक्वायर्ड है, तो P = LW (TT - FWD, तो ये देखो इन सब की वैल्यू दे रखी है, TT = 0.75, FWD = 189 kN/mm², फोर्स ऑफ वेल्डिंग DW = 1 mm, ठीक है। तो यहाँ पे P बड़ा है, DW से तो सेक्शन शेप है, ठीक है। लास्ट स्टेप, स्टेप 11, चेक फॉर द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए डिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला WL³/6EI EOT क्रेन अप टू द 500 kN, ठीक है। तो एयर अपन 750, ठीक है, डेल पर सेप, ठीक है, ये सेक्शन सेप है। तो आपका ये हो गया गैंट्री गर्डर कंप्लीट, ठीक है। इसमें बेस पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो RTU के अंदर। और अब अपना अगला टॉपिक रहेगा जो रूप ट्रस रहेगा, ठीक है।